हे गाइस, दिस इज स्मिता मेहता। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ दैट बहुत से लोगों ने सुना होगा दैट अगर आपको जीना है, अगर आपको अपनी लाइफ जीना है तो ईगल्स के जैसे जियो, चील के तरह शिकार करो, चील के जैसा रहो। सो इसे चुपके जस्ट ऐसे तो बहुत से लोगों ने नहीं कहा होगा। सो इसका जो भी मतलब है उसे आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ईगल्स का जो विजन होता है ना, वो इतना तेज होता है दैट उन्हें 5 किलोमीटर तक की दूराई तक, 5 किलोमीटर तक की नीचाई गहराई तक उन्हें दिखता है। ऊपर से 5 किलोमीटर तक का गहराई दिखता है। नो मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल्स कम देयर, नो मैटर कुछ बैरियर्स आ जाए, बट उनका जो विजन होता है, उनकी जो आंखों की जो नजर होती है वो 5 किलोमीटर तक की होती है। एंड झट से आकर अपने शिकार को लेकर चले जाते हैं जो भी बीच में आया। नो मैटर दे डोंट इवन केयर व्हाट एवर कम्स। इससे हमें एक छोटी सी सीख मिलती है दैट जो भी हुआ लाइफ में, जो भी होगा लाइफ में, हमें बस अपने शिकार पर, अपने विजन पर, अपनी जो गोल है, अपना जो सपना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। नो मैटर व्हाट, नो मैटर जो भी, जहां भी हम देखें हमें सिर्फ वही नजर आना चाहिए दैट दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर एम। सो गाइस, अपनी लाइफ में ईगल की तरह अपना विजन रखो, अपनी गोल की तरफ रखो। एंड कभी भी जो भी बैरियर्स आ जाए, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, डोंट टेक इट टू द मैटर, जस्ट छोड़ दो, जस्ट अपने विजन पे ध्यान दो। एंड वन मोर थिंग इज, ईगल्स फ्लाई वेरी हाई, बहुत ऊंचाई तक ईगल्स होते हैं। द एल्टीट्यूड इज वेरी वेरी हाई। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दे नेवर फ्लाई विद द स्पैरोज, दे नेवर फ्लाई विद द रेवेंस, दे नेवर फ्लाई विद द स्मॉल बर्ड्स। गाइस, इससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है दैट हमें भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी जो सोच है, जो नेगेटिविटी के जो थॉट्स हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। गाइस, जस्ट बिकॉज जो नेगेटिविटी के लोग हैं ना, हमें सच में ऊंचा उड़ने नहीं देंगे, दे फील विथ अस। हमें भी अपनी जो नेगेटिविटी है उसमें इतना भर देंगे दैट वी हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड हम भी नेगेटिविटी में आ जाएंगे। सो गाइस, अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी को जो लोग हैं उन्हें निकाल के भेज दो, अपनी लाइफ में से उन्हें काट दो। एंड द नेक्स्ट वन इज गाइस, ईगल्स आर वेल ट्रेंड, दे आर एवरी टाइम दे आर रेडी टू ट्रेन। अपनी लाइफ में जितना भी ट्रेन हो जाए, जितना भी है, बट एवरी टाइम दे विल बी ट्रेनिंग, दे विल बी रेडी टू ट्रेन। तो गाइस, हमें भी अपनी लाइफ में जो भी हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उस ट्रेनिंग की तरफ, उस हर दिन को ट्रेन होना है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर ट्रेन नहीं होंगे तो कभी ना कभी जब हम किसी और से मिलेंगे वो ट्रेन होके होगा एंड दे विल विन ऑन दैट डे। सो गाइस, we have to make ourselves every time perfect, we have to get ready for the trend and leave your comfort zone. kuch nahi rakha hai comfort zone mein, we have to thoda to hame difficult karna hi padega, hame apni comfort zone se bahar nikalna hi padega. and the next one is guys, jab bhi eagles ko lagta hai that their feathers are not ready to fly, ab wo weak ho gaye hain, so wo bahut dur chale jate hain and they own apne hi chun se apne feathers ko kaat kar fek dete hain, till that they get a new one they will stay there only. and apne jo feathers hain, agar unhe thoda sa bhi laga that it's not completely, it's not fit to fly, they'll remove everything. so guys, hame bhi apni life mein जो बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, बहुत कुछ होते हैं जो अपनी लाइफ में मैटर नहीं करता है, इसे हमें अपनी लाइफ से निकाल फेंक देना चाहिए। नो मैटर व्हाट, हमें खुद हमें ही उससे निकालना है। नो वन विल डू दिस फॉर यू। सो गाइस, अपनी लाइफ से जो भी है उसे निकाल फेंको एंड वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गाइस, जब भी स्टॉर्म आता है, ईगल्स लव द स्टॉर्म्स, जब भी स्टॉर्म्स आता है ना, पता है ईगल्स क्या करते हैं, दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई टू टेक दैट स्टॉर्म टू देयर हैंड्स एंड दे फ्लाई मेनी हाई। सो गाइस, जब भी बहुत स्टॉर्म आता है, बहुत सी रेन आती है, वो इतना ऊंचा उड़ जाते हैं दैट दे लीव एवरीथिंग, उन्हें वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ कर जाते हैं। बट द अदर बर्ड्स व्हाट दे डू इज, अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, बहुत हो रहा है, तो वो जाकर अपने घोंसले में, अपने जो ट्रीज होते हैं, जो अपने घोंसले होते हैं, वहां पर जाके वो छिप जाते हैं। बट ईगल्स डोंट डू दैट, वो अपने उसी स्टॉर्म को, उसी डिफिकल्टीज को अपने आप में लेकर इतनी ऊपर उड़ जाते हैं, बादलों के ऊपर चले जाते हैं।
सो गाइस, अपनी लाइफ में भी अगर आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसे एक फ्यूल की तरह बनाकर उड़ जाओ, ऊपर चले जाओ एंड अपने प्रॉब्लम्स को नीचे छोड़ दो। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कहीं पर जाके छिपना मत। जो भी होता होता जो भी होगा होने दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कभी भी छिपो मत। एंड ईगल को एक मोटिवेशन के रूप में लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना, इट रियली हेल्प्स फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट्स में बताना। एंड द वन मोर थिंग इज गाइस, अगर आपको लगता है दैट आई हैव टू स्पीक इन सम टॉपिक्स, सो प्लीज मुझे टॉपिक्स के कमेंट्स पर लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू। थैंक यू गाइस।